खीर खानी है तो रोटी खीर खाइए या पूड़ी खीर खाइए, खीर को पूड़ी के साथ खाइए, खीर को रोटी के साथ खाइए, सब्जी ड्रॉप कर दीजिए उसके, बहुत अच्छा होगा। नहीं कर सकते हैं तो आयुर्वेद ने उसका एक रास्ता निकाला। वो रास्ता ये दिया उन्होंने कि अगर आप दूध को नमक के साथ खाना चाहते हैं या दूध की चीज के साथ नमक की चीज भी खाना चाहते हैं तो नमक बदल दीजिए अपने घर का। नमक लाइए सेंधा, जिसको हम पाकिस्तानी नमक कहते हैं, लाहौरी नमक कहते हैं, वो नमक खाइए। अब आप बोलेंगे इसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। एक तो नमक बनता है समुद्र के पानी से, जिसको आदमी बनाता है, जो आजकल आपके घर में आता है। ये बाजार से जो आप नमक लाते हैं ना, आयोडीन युक्त, ये सब समुद्र के पानी का नमक है। और एक नमक है जो भगवान बनाता है, ईश्वर बनाता है, वो वही नमक है जिसको लाहौरी नमक कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं, कुछ लोग उसको उपवास का नमक भी कहते हैं, फरारी नमक कहते हैं, वो उपवास में इस्तेमाल करने वाला नमक है। दोनों नमक को लेबोरेटरी में जब टेस्ट किया हम लोगों ने, बहुत काम किया इस नमक पे हम लोगों ने, रिसर्च करके, टेस्टिंग कर करके, तो पता चला कि जो समुद्र का नमक है, समुद्र पानी का नमक है, इसमें शरीर के काम आने वाले 3 या 4 ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। 3 से 4, कभी कभी 3 रहते हैं, कभी 4 रहते हैं। और ये जो समुद्र के नमक को छोड़कर हम सेंधा नमक खाना शुरू करें, पाकिस्तान वाला, लाहौर वाला या उपवास वाला, उसमें 94 तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 94। अब आप देख लीजिए फायदे का सौदा क्या है। ये नमक है जिसमें 3 से 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो नमक है जिसमें 90 से 94 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप सीधे कहेंगे हमको तो वही चाहिए, वही नमक सबसे अच्छा। और मैंने इस पे थोड़ा काम किया तो पता ये चला कि जब हम समुद्री पानी का नमक खाते हैं तो शरीर के सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं।